हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को दिखाने वाले हूँ फर्स्ट क्लास एसी का केबिन और कूप कैसा रहता है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। है तो एक गेट खोलना पड़ता है, साइड में देखिए वो कॉरिडोर जो जाने का आने का रास्ता है। तो मैं पहले जाऊँगा केबिन में। केबिन 4 सीटों का रहता है जो आप फ्रेंड या फैमिली लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, चारों बंदा चढ़ सकते हैं। चलिए ये पहले तो हम लाइट को ऑन कर लेते हैं, वो साइड में जो स्विच रहता है, और उसके बाद हम कर्टन को बंद कर दे रहे हैं। और अभी देख पा रहे हैं चढ़ने का सीढ़ी है जो ऊपर बर्थ में चढ़ने के लिए दुर्मदायक सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। वो आप देख पा रहे हैं उसके सामने एक वाटर बोतल होल्डर है जो वहाँ पे पानी रख सकते हैं। और सीट भी बहुत ही अच्छा है, आरामदायक है, लंबाई चौड़ाई एकदम बहुत मस्त है। और पार देख पा रहे हैं जो एक चेन पुली है, अलार्म है और इमरजेंसी में काम आएगा पैसेंजर्स को। और अभी देख पा रहे यहाँ पे चार्जिंग पॉट भी है, आप दोनों करके मोबाइल और लैपटॉप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं पर्सनल लाइट भी है और एसी के लिए वैन भी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक अलार्म भी है, इनकेस ऑफ कुछ हो जाए ट्रेन में तो अलार्म बजता है जोर जोर से। आइए दिखाते हैं थोड़ा बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है विंडो से। अभी तो विंटर का सीजन चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है, थोड़ा देख पा रहे हैं कैसा नज़ारा है। अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत धूप खिला है बाहर। चलिए थोड़ा अभी भी हम जाएंगे कूप में, आपको कूप को सवारी कराता है कैसा रहता है कूप, तो केबिन देख लिया आपने। आइए डोर को ओपन करते हैं, हमें एंट्री करते हैं कूप में। कूप में सिर्फ दोनों ही सीट रहता है, इसमें कुछ डिफरेंस तो कुछ नहीं है, सिर्फ सीट केबिन में 4 रहता है और कूप में 2 रहता है। यहाँ दोनों जेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं यहाँ ट्रैवल। और चार्जिंग पॉइंट भी है, मोबाइल लैपटॉप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और पर्सनल लाइट भी है, और यहाँ पे देख पा रहे एक रूम फ्रेशनर भी है जो एयर को फ्रेश करता है। और साथ में ऊपर आप देख पा रहे हैं जो उस केबिन में था और कूप में भी है एक स्पीकर है। और यहाँ पे चेन अलार्म है, चेन पुली है, और यहाँ पे चढ़ने का सीढ़ी जो ऊपर जाएगा उसका ये सीढ़ी, तो सेम टू सेम एक ही है दोस्तों, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो 4 सीट रहता है या 2 सीट रहता है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।